ये तो स्थिति हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तम मगर तेरा साथ ना छोड़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितिका और आप देख रहे हैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। दोस्ती बहुत प्यारी चीज़ है और दुनिया में हर प्यारी चीज़ को सेलिब्रेट करने का अपना मज़ा होता है। सुख दुख का साथी, एक अच्छा हम सफ़र किसे पसंद नहीं आता। हमारे देश में सबसे फेवरेट सैंपल हैं सुदामा और कृष्ण की दोस्ती, जिसमें अमीरी गरीबी के अंतर को किनारे रखकर दोस्त के लिए प्यार दिल से उमड़ता है। ऐसे दोस्तों की ज़रूरत किसे नहीं है। आज अपने प्रोग्राम को गुलजार करेंगे दोस्ती के किस्सों से। इस साल फ्रेंडशिप डे के मौके पर हम सब मिलकर भरेंगे जीवन में दोस्ती के रंग। दोस्तों के नाम पर एक दिन सेलिब्रेट करने का मौका दुनिया को हॉलमार्क आर्ट की फाउंडर जयेस हॉल ने दिया और उस दिन बिनी द पुअर बियर को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाकर पूरे विश्व में दोस्तों की खुश नसीबी पर जश्न मनाने का मौका दिया। कॉफी अन्नान की वाइफ नेने अन्नान ने 1935 में यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ने अगस्त के पहले संडे को फ्रेंडशिप डे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इंडिया ने 7 अगस्त को फ्रेंडशिप डे डिक्लेयर किया। आपको फ्रेंडशिप के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। फ्रेंडशिप डे साल में केवल एक बार नहीं, बल्कि साल के अलग अलग दिन अलग अलग तरह के फ्रेंडशिप के नाम रहे हैं और उन अलग अलग दिनों को भी लोग पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से मनाते हैं। आइए नजर डालते हैं इन तरीकों पर। ऐसा शायद ही कोई हो जो अपने दोस्त से प्यार ना करता हो, उसके साथ वक्त बिताना पसंद न करता हो, चाहे वो दोस्त कैसा भी हो, कोई भी हो। ऐसे ही खास तरह की दोस्ती के लिए दुनिया में खास दिन भी है। बचपन जीवन का वह हिस्सा है जिसकी तुलना आप उस समय से भी नहीं कर सकते जब आप हर सुविधा शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। अच्छा समय फिर लौट सकता है, लेकिन बचपन नहीं लौटता। बचपन के दोस्तों को हम कभी भुला नहीं पाते, क्योंकि उस दोस्ती में छल कपट चालाकी की कोई जगह नहीं होती। बचपन में मेरा एक साथी था प्रमोद, जो पहली कक्षा से दसवीं तक साथ पढ़ा भी। बहुत प्यारा, चाहने वाला, अब कहाँ है पता नहीं, लेकिन याद अक्सर आता है। उसे भूल नहीं सकते हम, हमेशा मिस करते हैं कि अगर सामने हो तो हमारी बातचीत कैसी होगी, वो कैसा दिखता होगा। उसे याद करना ही हमारे लिए फ्रेंडशिप डे का मतलब है। बात शॉपिंग की हो या आउटिंग की, गॉसपिंग की हो या डाइनिंग की, महिलाओं को सहेलियों की टोली बड़ी प्यारी होती है। वो अपने लिए कम ही वक्त निकाल पाती हैं महिलाएं। अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करने के लिए तय किया गया है एक दिन। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वोमेन फ्रेंडशिप डे भी मनाया जाता है सितंबर महीने के तीसरे संडे को। दो महिलाओं के बीच में दोस्ती का रिश्ता उन्हें एक नया रास्ता दिखाता है, क्योंकि वे दोनों जितना एक दूसरे को समझ सकती हैं उतना कोई लड़का, फ्रेंड या कोई रिश्तेदार भी नहीं समझ सकता। और हमारी दोस्ती इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि हम जितने अच्छे तरीके से एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ये हमें मेंटली फिट भी रखता है। हमारी दोस्ती मन की गहराइयों से पनपती है। एक सहेली जब तक अपनी सहेली से बातें शेयर ना कर ले, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। यह बात बिल्कुल सही है। दो महिलाएं ही आपस में एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकती हैं। दोनों बहुत अच्छी सलाहकार और ईमानदार भी होती हैं। बेस्ट फ्रेंड वीकेंड मनाया जाता है हर साल 23 जून से 25 जून के बीच। दरअसल ये अलग तरह के साथ दोस्त दोस्ती निभाने के लिए शुरू की गई थी। बेस्ट फ्रेंड एनिमल सोसाइटी ने एनिमल राइट प्रोटेक्ट करने और उन्हें ऑनर देने के लिए वीकेंड के पहले दिन को बेस्ट फ्रेंड डे कहा। मई महीने के तीसरे वीक में ओल्ड फ्रेंड और न्यू फ्रेंड डे मनाया जाता है और सबसे खास बात यह है कि पूरे फरवरी महीने को इंटरनेशनल फ्रेंड्स मंथ मनाया जाता है। ये दोस्ती हम
फिल्मों के अलावा रियल लाइफ में भी बॉलीवुड के स्टार्स अच्छी खासी दोस्ती निभा लेते हैं। क्रिकेट स्टार की भी दोस्ती मशहूर हुई है, पॉलिटिशियन की दोस्ती भी खूब गर्म हुई है। आखिर इन स्टार्स को भी असल जिंदगी में अपना गम बांटने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही। हालांकि इनकी दोस्ती पर वक्त के साथ कई रंग चढ़ जाते हैं, लेकिन दिलचस्प है उनकी दोस्ती के किस्सों को याद करना। भाई बात दोस्ती की हो और हमारे नेताओं की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे नेता की दोस्ती भी कम दिलचस्प नहीं है, लेकिन यहाँ की दोस्ती की दास्तां थोड़ी अलग है। यहाँ के रिश्ते, यहाँ की दोस्ती अजीब है। एक वक्त के लिए मिलते हैं, कुछ वक्त साथ साथ चलते हैं, और जैसे ही मोड़ आता है, मतलब काम निकल आता है, तो साथ ही छोड़ जाते हैं। तभी तो कहते हैं राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। आइए इन महाशय से जानते हैं इनकी दोस्ती की दास्तां। दरअसल जो सत्ता है वो एक धोखेबाज प्रेम का है, और जो नेता है वो इसी धोखेबाज प्रेमिका को पाने के लिए सारी कोशिशें करते हैं। जरूरत होती है तो दोस्ती करते हैं, जरूरत होती है तो दुश्मनी भी करते हैं। अब आप इसे क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जहाँ भी देखें आपको ऐसे उदाहरण मतलब सैकड़ों तो जरूर ही मिल जाएंगे। आप सपा बसपा की दोस्ती को देख सकते हैं, लालू नीतीश की दोस्ती को देख सकते हैं, एक समय में अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती के काफ़ी कसीदे काटे जाते थे। बाद में जब वो फोर्स का मामला आया तो फिर क्या हुआ सब लोगों ने देखा। तो दोस्ती का महत्व तो है, लेकिन दोस्ती का ये पवित्र रिश्ता जितना पवित्र आम आदमी के बीच है वो इन खास लोगों के बीच नहीं है, और ख़ासकर राजनीति में तो शायद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक दो अपवाद ज़रूर हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन राजनीति के लिए अगर दोस्ती की बात की जाए तो सिर्फ फिर से वही कहावत दोहराऊंगा कि राजनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु है न कोई स्थायी मित्र है, सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए यहाँ दोस्ती भी होती है, दोस्ती चलाई भी जाती है। अब अमर मुलायम की जोड़ी को ही ले लीजिए, या फिर थोड़ा पीछे जाएं तो राजीव गांधी और बिग्बी यानी अमिताभ बच्चन की दोस्ती याद आती है। एक वक्त था जब इस जोड़ी की दोस्ती के किस्से पूरा हिंदुस्तान सुनता था और सुनाता था, लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद गांधी और बच्चन परिवार के संबंध को देखकर तो बस यही कहेंगे दोस्त दोस्त ना रहा। दरअसल कुर्सी का खेल ही निराला है, ये कल के दोस्त को दुश्मन बना देता है और आज के दुश्मन को दोस्त। यकीन ना हो तो इस लिस्ट पर नजर दौड़ा लीजिए। माया और मुलायम की दोस्ती, लालू नीतीश की दोस्ती, नीतीश और ललन सिंह की दोस्ती, और पार्टी की बात करें तो सब नहले पर रहना है। बहरहाल ये सारे रिश्ते कभी सत्ता पाने के लिए बने थे और टूटे भी तो सत्ता पाने के लिए। जरा गौर से सुनिए। मुझे अगर बेस्ट एग्जांपल याद करूं कि दोस्ती का क्या हो सकता है बॉलीवुड में, तो मुझे याद आता है कि राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी और बॉलीवुड में राज कपूर की दोस्ती इतनी मशहूर थी कि उसकी दोस्ती का ही उदाहरण था कि हम लोग आनंद मूवी में देखते हैं। आपको बता दूं कि मैं आनंद मूवी में जो बाबू मोशाय कैरेक्टर अमिताभ बच्चन निभाया था वो असल में ऋषिकेश मुखर्जी के कैरेक्टर से प्रभावित था। उसके बाद दोस्ती के मायने बदलते जाते हैं। आज दोस्ती का ये सीन है कि आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रोफेशन में सफलताएं और खेमे बदलते हैं, दोस्ती भी अपने अपने मायने बदल देती है। अभी सबसे लेटेस्ट दोस्ती के रिलेशन देखते हैं हम तो करण जौहर शाहरुख खान को देख सकते हैं, अक्षय कुमार और साजिद नाडियाडवाला को देख सकते हैं। इसके अलावा हम सबसे लेटेस्ट बात करें तो ऋतिक रोशन फरहान अख्तर को हम लक्ष्य और जिंदगी न मिलेगी दोबारा में देख ही चुके हैं। बट सबसे बेहतरीन दोस्ती और प्रोफेशनल और पर्सनल दोस्ती एग्जाम्पल में रोहित शेट्टी और अजय देवगन की दोस्ती देना चाहूँगा। आजकल एक नई तरह की दोस्ती उभर रही है और वो है मीडिया की दोस्ती। ये दोस्ती दिलचस्प है, मीडिया से दोस्ती रखने में सब रुचि रखते हैं, चाहे वो नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या आम आदमी। ये दोस्ती होती है अपने फायदे की दोस्ती, ये जय वीरू की तरह तो नहीं लेकिन दिखावे में उससे कम भी नहीं होती।
नेटवर्क मार्केटिंग और व्यापार इस दोस्ती के मुख्य उद्देश्य होते हैं। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हर चीज का अंदाज बदल गया है, जमाना तकनीक का गुलाम है। ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती वैसी की वैसी बनी रहेगी। आजकल एक नई तरह की दोस्ती उभर रही है, इस दोस्ती का अंदाज जुदा है। आइए देखते हैं कौन सा है ये दोस्ती का अंदाज। जब से बाजार में ब्रांड की सनक छाई है, तब से युवाओं की दोस्ती हुई है विदेशी चॉकलेट से, ब्रांडेड कपड़ों से, स्टाइलिश एक्सेसरी से। वो चीजें जो बेजान है, छूट गया है तो वो दोस्त जो था सच्चा दोस्त। यानी किताबें, अब तो वो शख्स ही झूठा लगता है जिसने कहा था बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। बाजार उस चीजों की दोस्ती से मन भर जाए तो दूसरे दोस्त के पास चले जाते हैं। ये दोस्ती है टेक्नोलॉजी से, मोबाइल पर SMS से। दोस्ती फिलहाल सबसे कामयाब दोस्ती है, और एक दोस्ती है नए जमाने से शुरू हुई युवाओं से, लेकिन सांप बनकर सवार हो गई बड़े बूढ़ों के सिर पर। ये दोस्ती पनपती है कंप्यूटर के पते पर, दोस्ती के कीड़े ने सबको काटा है। ये सब फेसबुक या और कुटिया, ट्विटर या हाई फाई जैसे हाई फाई बीमारी की चपेट में है। न जान न पहचान और ना ही कभी नाम सुना, मगर धन्य है इंटरनेट की दोस्ती। मिनट मिनट में दोस्त टपक पड़ते हैं, बटन दबाया नहीं सामने नजर आ जाते हैं। चेहरा दिखते ही बस यही आवाज सुनाई देती है, मुझे भी फ्रेंडशिप वाले एल्बम में थोड़ी सी जगह दे दो। You got a Facebook account? सोशल नेटवर्किंग साइट की दोस्ती कुछ समय के लिए हो सकती है या कुछ मुद्दों आधारित हो सकती है, लेकिन हम एक दूसरे से के करीबी दोस्त नहीं हो सकते, हम अच्छे दोस्त नहीं बना पा रहे हैं। और जब तक इस दायरे से बाहर नहीं आएंगे, ट्रू फ्रेंडशिप फिर जिंदा नहीं हो पाएगा। इस दोस्ती ने निगल लिया है पैन फ्रेंडशिप यानी पत्र मित्रता को। दूर की इस अनजान दोस्ती का मुकाबला जब तक तकनीकी दोस्ती से हुआ तो फ्रेंडशिप गश खाकर गिर पड़ा। इंटरनेट के अड्डे पर दोस्तों की फहरिस्त इतनी लंबी रहती है कि चेहरा तो दूर, नाम तक याद नहीं रहता। है ना लाजवाब दोस्ती। अब्राहम लिंकन ने अपनी सफलता में अपने दोस्त को श्रेय दिया है, अच्छे दोस्त हों तो मुश्किल वक्त आसानी से कट जाता है। ये सच भी है, दोस्तों की कमी को सिर्फ दोस्त ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दोस्त बनाते रहिए और फिर देखिए हंसते मुस्कुराते जीवन यूं बीत जाएगा जैसे कोई सफर सुहाना। पहले ये विज्ञापन देखिए, ये अखबार में छपने वाले छोटे विज्ञापन के हिस्से हैं। A to Z फ्रेंडशिप, लेडीज से निसंकोच संपर्क करें, 100% गारंटेड फ्रेंडशिप, रौनक फ्रेंडशिप क्लब। हमारे यहाँ किसी भी उम्र की युवतियाँ फ़ोन करें और साथ ही कमाएं 3,000 से 5,000 तक। सानिया फ्रेंडशिप क्लब, हमारे यहाँ हर उम्र के व्यक्ति मित्रता कर रोज 5 से 7 हज़ार तक कमाएं। इंडियन फ्रेंडशिप क्लब मनोरंजन, मीटिंग हाई प्रोफाइल फैमिली के साथ दोस्ती कीजिए और प्रतिदिन 7 से 10 हज़ार कमाइए। कमाल है दोस्ती की दोस्ती और ऊपर से ज़बरदस्त कमाई भी। इतनी कमाई की कोई भी अच्छी खासी पगार पा रहा व्यक्ति भी ईर्ष्या करने लगे, भाई ये क्या माजरा है, ये कैसी दोस्ती है, कैसे दोस्ती का धंधा खोल रखा है और लोगों को रुपए के लालच में बरगला रहे हैं। ऐसी दोस्ती में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान अधिक होता है, हमारे पैसे बर्बाद होते हैं और हम एक सच्चा दोस्त पाने की चाहत में बुराइयों के उन दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना बड़ी बेहद मुश्किल होता है। कमाल है, हम हर रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे छलावे वाले दोस्ती से हमें कोई एतराज़ नहीं। ऐसे छोटे विज्ञापन वाले पन्ने बिना ध्यान दिए हुए छोड़ देते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि हमारे ही घर का कोई सदस्य ऐसी दोस्ती के छलावे में फंस रहा हो। फ्रेंडशिप डे के स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको बताया सच्ची और अच्छी दोस्ती के बारे में। हमने आपको फेक फ्रेंडशिप के बारे में भी बताया ताकि आप सतर्क रहें, सजग रहें। दोस्तों, दोस्ती बहुत खूबसूरत एहसास है, इस मासूम भावना को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद में कि आप सच्ची दोस्ती को दिल से अपनाएंगे।
रितिका को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के साथ। नमस्कार। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।